NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष. आपको पता है कि बिहार में चमकी बुखार की वजह से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई. कहा जा रहा था कि जैसे ही बारिश शुरू होगी बच्चों की मौत पर विराम लग जाएगा, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है, बाढ़ से तबाही मची है हुई है बिहार में. लेकिन चमकी बुखार से बच्चों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. आखिर चमकी बुखार की चपेट में बच्चे क्यों आए, कहाँ पर सरकार विफल रही, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं कई मामलों को लेकर. अभी इनसे हम बात करेंगे और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे. आप बताइए, आप तो बहुत उधर काम भी करते हैं, क्या है राज कि बच्चे अभी भी मर रहे हैं? सरकार कह रही है कि कौन बीमारी है पता ही नहीं चल पाया, 10 साल से रिसर्च हो रहा है, रिसर्च का रिपोर्ट नहीं आया, क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये बीमारी, ये बातें तो तय हो चुकी है. सरकार समय समय पे कभी लीची का नाम लेती है, कभी कोई वायरस का नाम लेती है, कभी किसी तरह की आप संक्रमण रोग का नाम लेती है. लेकिन लीची का नाम से, यदि लीची के वजह से जो सबसे पहला जो नुकसान हुआ, उन किसान भाइयों को नुकसान हुआ जो लीची उत्पादक हैं. और ये बातें तो स्पष्ट हो चुकी है जो लीची इसका कारण नहीं है. कई मेडिकल रिपोर्ट्स भी आए हैं और कई जो एक्सपर्टीज इस पर कहा है. दूसरी बात, ये बीमारी सीधे तौर पर कुपोषण से जुड़ा हुआ है, मेला न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है. कुपोषण से इसलिए जुड़ा है, उसी गाँव में धनी के बच्चे या जो समृद्ध बच्चे हैं, समृद्ध परिवार के जो बच्चे हैं, उनको ही बीमारी नहीं होती, उसी गांव में उनको ही बीमारी होती है जो कुपोषण के शिकार हैं, निहायत गरीब हैं, जिनके घर में खाना को नहीं है, जिनका अच्छा सैनिटेशन नहीं है, उनको बीमारी है. तो ये क्या मानना है कि कुपोषण एक भयावह रूप ले चुका है बिहार में? बिल्कुल ही कुपोषण की स्थिति यह है जो आप, हम झारखंड से भी पीछे हैं, झारखंड से भी बहुत पीछे हैं. झारखंड की आप स्थिति देखिए, वहां की भौगोलिक स्थिति देखिए, वहां पहाड़ है, वहां जंगल है, वहां उपजाऊ भूमि नहीं है, उसके बावजूद भी हम कुपोषण के मामले में हमसे बहुत आगे, हम कुपोषण के मामले में पीछे. अब आते हैं कुपोषण की स्थिति, सरकार ने क्या स्ट्रेटजी रही लड़ने की. कुपोषण की आप स्थिति देखें, जो बिहार सरकार ने 2013-14 में जो 2238 करोड़ का जो बजट था, और उसमें से सरकार ने 57% ही खर्च की. अब ये बताइए, यदि 2200 करोड़ का बजट बनाते उसमें भी 57% खर्च करते हैं, तो खर्च नहीं करने के पीछे आपकी क्या मंशा है? दूसरी बात, और वो 2013-14 में जो 2238 करोड़ का जो बजट था, उसको आपने 2017-18 में 988 करोड़ पे ले आया, आधा पर लाए, आधा से भी नीचे कर दिया, आधा से भी. और इसमें और एक बात देखिए, इसमें केंद्र का अंश होता है और राज्य का अंश होता है. राज्य का जो अंश है, जो स्टेट गवर्नमेंट, उसने अपना इस पे जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र जहां बच्चों को भोजन मिलता है, उसको अपना बजट राज्यांश उसमें जीरो कर दिया, शून्य कर दिया है. और उतना ही नहीं, केंद्र सरकार का जो बजट है वो 1075 करोड़ का बजट है, उसको भी करीब 100 करोड़ के करीब उसने डाइवर्ट कर दिया है. आपने 988 करोड़ ही खर्च किए हैं, और बल्कि केंद्र सरकार आपको कुपोषण से लड़ने के लिए आपको 1075 करोड़ दिया है, तो करीब 100 करोड़ पैसा आपने डाइवर्ट किया. एक बात है, अब ये कौन समझा जब कुपोषण की वजह से तमाम तरह की समस्या आ रही है और उस पैसा को आप डाइवर्ट कर रहे हैं. और उससे भी बात, यदि पूरी खर्च आप नहीं करते हैं तो आप नीति आयोग में जाते हैं. अब नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था, तो दूसरे स्टेट भी जो पैसा क्लेम करते हैं, आप जब स्टेट पैसा क्लेम करते हैं और आप अपने बजट को जब पूरा 100% से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार, किसी पार्टी को, मैं पार्टी पे जाता ही नहीं, कोई भी सरकार हो, नीति आयोग आपके क्या करेगा, बजट को कम करेगी. दूसरा, राज्य सरकार जो पैसे को अपना पूरा यूटिलाइजेशन करती है, जिसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, तो उनका बजट बढ़ता है. आपको पता है कि जब सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देती है तो उसका फंड रोक दिया जाता है, उसका अलॉटमेंट रोक दिया जाता है, उसके बजट को कम कर दिया जाता है. बिल्कुल. और उसके बावजूद भी जितना बजट मिला है कुपोषण के लिए 1075 करोड़, उस पैसे को भी आपने खर्च नहीं किया, 988 करोड़, इसका मतलब केंद्र सरकार जो आपको पैसा दे रही, अपना पैसा लगाने से रहे, केंद्र सरकार ने जो पैसा आपको दिया वो भी पैसा डाइवर्ट कर दिया. आप मानते हैं कि बच्चों की मौत की वजह चमकी बुखार नहीं है, कुपोषण? ये बिल्कुल कुपोषण, यदि कुपोषण नहीं होता, आप देखिए डेंगू बुखार है, डेंगू मलेरिया है, या आप स्वाइन फ्लू देखते हैं, स्वाइन फ्लू में आप देखते हैं इसका शिकार बड़े भी लोग होते हैं, धनी परिवार के बच्चे भी होते हैं, धनी लोग भी होते हैं, कई बार बड़े अधिकारी पदाधिकारियों को भी डेंगू. आपने कभी देखा है जो ये जो चमकी बीमारी AES जो है, ये आपको किसी धनी गाँव के किसी धनी परिवार के बच्चे को हुआ है, जो बहुत समृद्ध परिवार के बच्चे को हुआ, ऐसा क्या आपके नजर में आया है क्या? ये तो कुपोषण है, ये तो बात तय हो गई है, क्योंकि जो भी बच्चे मरे हैं चमकी बुखार से वो गरीब परिवार के थे. कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर एक टोला है गरीब लोगों का, उनके बच्चे चमकी बुखार
में मारे गए, लेकिन दूसरी टोला है जो बड़े लोगों का, संपन्न लोगों का, उनके बच्चे उसकी चपेट में नहीं आए। तो कुपोषण इसका एक कारण है, लेकिन कुपोषण को दूर करने में बिहार सरकार पूरी तरह से विफल रही, आपका कहना? बिल्कुल। और इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा में बिहार सरकार ने लिख के दिया है जो हमें 1,14,000 समथिंग हमको सैंक्शन आंगनवाड़ी केंद्र, जिसको हम 99,000 ही चला रहे हैं। तो 15,000 आंगनवाड़ी केंद्र भैया क्यों नहीं चला रहे हैं? कहने का मतलब यह है, आपके पास पैसा है उसको यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, फंड को कम कीजिएगा, आपके पास जो सैंक्शन है वो आप नहीं चलाइए। ये तो कुपोषण का है। यदि आप स्वास्थ्य में जाएंगे तो इससे भी वहाँ भी यही स्थिति है। ये सवाल भी उठता रहा है कि गर्मी की वजह से बिहार के सारे सरकारी गैर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र बंद नहीं किए गए। वहाँ गर्मी में भी बच्चे भोजन के लालच में जाते रहे, और जो मरने वाले बच्चे हैं चमकी बुखार की चपेट में आने वाले, वो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे ही हैं। तो आप ये देखिए ना, आंगनवाड़ी का आपने क्या कर रखा है? आंगनवाड़ी का बजट ही कम, यदि आप कम करेंगे तो इसका मतलब है जो उनको पूरा पूरा भोजन नहीं मिल रहा होगा। आप हमें बताइए, आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया के बदले में आप 25 रुपया खर्च कीजिएगा खाना पे, तो आप खाना आपको ज्यादा बढ़ाएगा कि खाना कम कीजिएगा? जाहिर सी बात है ना, जो खाना कम करेंगे तो आप ICDS के लिए जो हमारा बजट है, उस बजट को पिछले आप 3 साल में हम आपको बताएं, आपने उस बजट को आपने यूज नहीं किया है। मैं आपको डाटा बताता हूं। जी, आपने 13-14 में 1714 करोड़ था जिसमें 67% खर्च किया, 2014-15 में 2238 करोड़ था जिसका आपने 57% खर्च किया है, आप 15-16 में 1400 करोड़ था जिसमें 75% आपने खर्च किया है, 2016-17 में जिसमें 1400 करोड़ था 66% आप ये देखिए खर्च ही नहीं कर रहे हैं। आप खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खर्च नहीं कर रहे हैं, जो आप खुद बजट उस बच्चे को एलोकेट के लिए करते हैं वो खुद नहीं खर्च कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं उनका कुपोषण के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बच्चों, गरीब बच्चों में रुचि नहीं है सरकार की, यही ना आप कहना चाहते हैं? आप यदि रुचि है तो आप हर साल के कुपोषण, कौन सा ऐसा जादू है जो हर साल आकर के सिर्फ हम कुपोषित बच्चों को मार के चला जाता है? ये 10 साल से चला जा रहा है, 10 साल से चला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी सहजता के साथ स्वीकार किया था कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए था चमकी बुखार को लेकर, वो नहीं चलाया गया जिस स्तर पर होना चाहिए था, और वो भी एक बड़ा कारण है। आप क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार तो एक अलग मामला है, जो पैसा एलोकेट करते हैं उसको खर्च नहीं करते वो तो एक अलग मामला है। अब उस पर भी आप देख लें, मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य समिति को 2013-14 में 35 करोड़ रुपया दिया गया, उसको अब आप यहां ला करके 17-18 में उसको 25 करोड़ कर दिया गया। आप अवेयरनेस के भी पैसा 35 करोड़ क्यों दिए गए थे मुजफ्फरपुर को? स्वास्थ्य समिति को दिए जाते हैं, इसी तरह के अवेयरनेस के एक्टिविटीज के लिए जाते हैं, केवल प्रचार प्रसार के लिए 35 करोड़। आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, ये जो डाटा है, आप ये देखिए मुजफ्फरपुर का जो डाटा है, मुजफ्फरपुर का देखिए, ये देखिए 3444 मतलब लाख में है 34 करोड़, इसको आपने क्या किया है 25 करोड़ घटा दिया। ये आपने घटा दिया, तो आप घटाएंगे ये तो भ्रष्टाचार का अलग मामला, उसको ऑडिट करेंगे तो क्या हुआ नहीं हुआ वो पता चलेगा। जो आप बजट है उस बजट को भी आप कम कर रहे हैं, तो बजट के कम करने से क्या समझा जाए? मुजफ्फरपुर के बजट को कम करने से क्या समझा जाए जो आप अवेयरनेस को बेहतर करना चाहते हैं? और यदि यही हालत रही तो हर साल बच्चे मरते हैं, फिर कुछ दिन तक इस तरह चलेगा। अब तो बाढ़ आ गया, बाढ़ पे मामला, अभी 3 दिन पहले 5 बच्चे की मौत हुई है मुजफ्फरपुर में, अखबार का है, अब 14 तारीख का अखबार, आप लाके देख लें, 5 बच्चे की मौत हुई है, और 10 से ज्यादा बच्चे की गया में मौत हो चुकी है। तो आप यह भी नहीं कह सकते हैं जो ये जो लीची से संबंधित है और लीची ग्रोइंग एरिया से, सरकार मालूम नहीं सरकार क्यों अभी भी एफिडेविट में लिखा है लीची ग्रोइंग एरिया। आप ही हमें बताएं, क्या मुजफ्फरपुर ये गया और औरंगाबाद लीची ग्रोइंग एरिया है क्या, जहां 1 बच्चे की मौत नहीं 10 बच्चे से ज्यादा बच्चे की मौत हो चुकी है? तो आप इनकी बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लीची तो वजह नहीं है चमकी बुखार का, क्योंकि जहां पर लीची का उत्पादन नहीं होता है, जहां पर लीची की फसल नहीं होती है, वहां के बच्चे भी चमकी बुखार की चपेट में आने लगे हैं, उनकी मौत होने लगी है। तो जाहिर है कि लीची इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण सामने आया है इनकी बातों से लगता है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, और उसी से पता चलता है कि कुपोषण सबसे बड़ी वजह है चमकी बुखार से बच्चों की मौत की वजह। तो चमकी बुखार से वही बच्चे मर रहे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको पूरा आहार नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो बजट है, बजट में जो प्रावधान है कुपोषण से लड़ने के लिए, उस बजट में भी लगातार कटौती की जा रही है, बजट आधी कर दी गई है, और जो बजट है उसको भी ठीक से खर्च नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि चमकी बुखार को लेकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए था, उसमें भारी कोताही बरती गई है, ये मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन ये खुलासा कर रहे हैं कि सरकार ने खुद अवेयरनेस प्रोग्राम पर किए जाने वाले खर्च में कटौती कर दी है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम को और बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है, दूसरी तरफ आप उस मद में जो बजट है उसमें कटौती कर रहे हैं, दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं?
तो बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है, इनके सवाल में आपको दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, सरकार तक भी बात पहुँचे और सबके संज्ञान में बात आएगी तो बात दूर तलक जाएगी और दूर तलक जाएगी तो शायद कोई समाधान भी निकलेगा। तो चर्चा बहुत ज़रूरी है, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी समय से आप तक हमारी खबरें पहुँचेंगी। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।